नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। महापंचायत से क्या हल निकलेगा, ऐसे तमाम सवाल हर किसी के जहन में हैं और इसी को लेकर आज तमाम राज्यों से किसान भी इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। भीड़ लगातार देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आज की जो महापंचायत होने जा रही है वो आने वाले समय के लिए कैसे खास होने जा रही है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हो रही किसानों की महापंचायत कई मायनों में सबसे अलग होने जा रही है। इससे न सिर्फ आंदोलन को नई दिशा मिलेगी बल्कि पश्चिम के सियासी समीकरण भी बदल सकते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सियासी समीकरण पर नजरें बनी हुई है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि 2022 के यूपी चुनाव का अंकुर भी यहीं से फूटता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। राकेश टिकैत वहां पर पहुंच चुके हैं और लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने वाली भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष भी किसानों के समर्थन में खुलकर उतर आया है। हर पार्टी की नजर किसानों पर टिकी हुई नजर आ रही है और अलग से व्यवस्थाएं की हुई है। ये भीड़ आप देख सकते हैं। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि अब तक जितनी भी महापंचायतें किसानों ने की है ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। उत्तर प्रदेश, चाहे वो पश्चिमी इलाका हो चाहे वो पूर्वोत्तर हो, इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, उत्तराखंड से भी किसान जो है बड़ी संख्या में इस महापंचायत में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। खुद राकेश टिकैत यहां पर पहुंच चुके हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। अगर व्यवस्थाओं की मैं बात करूं तो व्यवस्थाएं यहां पर दुरुस्त कर रखी हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये महापंचायत क्या है, इस महापंचायत में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है और ये महापंचायत किसान आखिर इसने बड़े स्तर पर क्यों कर रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से किसान लगातार पहुंच रहे हैं। महापंचायत में 5 लाख किसानों के पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है और भीड़ लगातार देखी जा रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की बड़ी महापंचायत में देश भर के 300 से ज्यादा संगठन शामिल होने जा रहे हैं। तो यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों का पहुंचना जारी है। महापंचायत का समर्थन आखिरकार कौन कौन कर रहा है? सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी, ये तमाम समर्थन जो है ये पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। किसानों की मांग क्या क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे, सरकार कानून बनाए, एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, इसके अलावा पराली जलाने पर जेल और जुर्माने का नियम रद्द हो, किसानों के लिए डीजल के दाम 50% कम किए जाएं, किसानों के खिलाफ देश भर में दायर केस वापस लिए जाएं। ये किसानों की मांग है जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस किस राज्य से किसान यहां पर पहुंच रहे हैं और क्या क्या दावे किए जा रहे हैं इस महापंचायत को लेकर। इसके अलावा कौन कौन से जो दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसानों का समर्थन कर रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आखिर ये महापंचायत क्यों हो रही है और किसान क्या चाहते हैं, किसानों की मांगे क्या है, वो भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महापंचायत का समर्थन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तमाम जो दल हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन करीब इसका समय 1 साल होने वाला है। तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की जिद पर अड़े यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान सिंघू, शाहजहांपुर और गाजी बॉर्डर पर लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
गाजीपुर बॉर्डर पर किसान हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब इसी के चलते आज किसानों की महापंचायत है, जिसमें कई राज्यों से किसान इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। किसानों की मांग क्या क्या है, एक बार फिर से इस पर नजर डाल लेते हैं। सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे, सरकार एमएसपी पर खरीद का कानूनी अधिकार दे, एमएसपी पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, पराली जलाने पर जेल और जुर्माने का नियम रद्द हो, किसानों के लिए डीजल के दाम 50% कम किए जाए, किसानों के खिलाफ देश भर में दायर केस वापस लिए जाएं, ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 5 लाख से ज्यादा किसान यहाँ पर शामिल होंगे, जिसमें महिला किसान भी शामिल है। इसके अलावा जो लोग इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी कर ली गई है, लंगर की व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। वहीं जिस तरह से बारिश का मौसम बना हुआ है तो पंडाल भी वाटरप्रूफ बनाए गए हैं, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह महापंचायत का आयोजन यहां पर करवाया जा रहा है। और मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी आदेश सैनी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आदेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है? राकेश टिकैत अभी पहुंचे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर महापंचायत में, किस तरह का रणनीति तैयार की जा रही है, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा किसानों का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी और उत्तराखंड से लाखों की संख्या में किसान यहाँ मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में पहुंचे हैं। किसान महापंचायत में भाग ले रहे हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा उसी के आधार पर किसान कार्य करेगा। जी बिल्कुल आदेश, देखिए सुबह से ही जो बड़ी संख्या में किसान हैं यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं, अलग अलग राज्य से आ रहे हैं। जो दावा यहाँ किया जा रहा है कि इस महापंचायत में करीब 5 लाख से ज्यादा किसान पहुंचेंगे, तो ऐसे में क्या वो तस्वीरें नजर आ रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं, देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तब से हम देख रहे हैं कि कोई भी दंगे कोई भी फसाद यहां पर नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती कि ऐसी कोई भी चीज उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आए। तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? इसके अलावा अगर 2022 की मैं बात करूं तो 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में इस महापंचायत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, मैं सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए हैं। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस, आरआरएफ और सिविल पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पूरी सुरक्षा पुलिस द्वारा किसानों को दी जा रही है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में देखने को शायद मिल सकता है कि किसान 2022 में शायद बीजेपी को नए वोट करे, क्योंकि किसान बीजेपी से बिल्कुल नाराज दिखाई दे रहा है जी। लेकिन अगर बात की जाए राकेश टिकैत की तो उनका क्या कहना है, क्योंकि अगर हम बात करें सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तो यहाँ पर एक अलग तरीके का विरोध चल रहा है। देखिए, एक तरफ तो किसान लगातार आंदोलनरत है और इतने महीनों से वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता ये कह रही है कि हम किसानों का दर्द समझ सकते हैं, हम किसानों के साथ है, लेकिन इतने रूट डाइवर्ट किए हुए हैं तो पिछले कई महीनों से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंगू बॉर्डर पर ऐसे तमाम प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, तो ऐसे में हम इस स्थिति को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, किसानों को यहाँ मुजफ्फरनगर में पूर्ण रूप से व्यापारियों ने भी समर्थन दिया है और अपने प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद कर किसानों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जगह जगह भंडारे व्यापारियों के द्वारा भी यहाँ लगाए गए हैं और किसानों का साथ व्यापारी भी लगातार दे रहे हैं। और राकेश टिकैत की अगर बात करें तो राकेश टिकैत और संयुक्त मोर्चा ही इस पूरे पंचायत के बाद निर्णय लेंगे कि क्या आगे की रणनीति तय होगी। जी नहीं, जिस तरह से राकेश टिकैत इस आंदोलन में उभर कर सामने आए हैं और 2022 भी नजदीक है, राकेश टिकैत कहते हैं कि वो इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं हैं। देखिए, राकेश टिकैत जिस तरह से सामने आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करना चाहते हो? क्योंकि अभी अगर चुनाव लड़ने की मैं बात करूं तो वो इस पर स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं रहे हैं। देखिए, अगर हम चुनाव की बात करें 2022 की, तो कहीं ना कहीं किसान यूनियन हो सकता है कि चुनाव किसी सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि पहले भी राकेश टिकैत जो है चुनाव लड़ चुके हैं जिनमें उन्हें पूरी करारी हार भी मिली थी। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है जिस तरह से किसानों और व्यापारियों का उन्हें समर्थन लगातार मिल रहा है, तो 2022 में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेर बदल हो सकता है। जी
बिल्कुल आदेश, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, कितनी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं और आगे की रणनीति किस तरह से तैयार होगी और कितनी देर तक ये महापंचायत यहां पर चलने वाली है? देखिए, अभी महापंचायत अभी लगभग शुरू ही हुई है और महापंचायत लगभग 5 बजे तक चलेगी और हरियाणा और राजस्थान और पंजाब से लगातार किसानों का लगातार पहुंचना यहां शुरू हुआ है। जीआईसी ग्राउंड में लगातार पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में 5 लाख के लगभग किसान यहां मौजूद हैं। ग्राउंड छोटा पड़ चुका है और लगभग जितना ग्राउंड के अंदर किसान है उतना ही मुजफ्फरनगर सिटी के अंदर किसान मौजूद है। जी देखिए आदेश, अगर इस ग्राउंड की क्षमता की मैं बात करूं तो इस ग्राउंड में कितने लोग एक टाइम पर इकट्ठा हो सकते हैं? देखिए, इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो इस ग्राउंड में 3 लाख की कैपेसिटी है, 3 लाख इसमें जो लोग हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन यानी जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि ग्राउंड पर जगह नहीं बची है, तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई जो दावा किसान यहाँ पर कर रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा किसान यहाँ पहुंचेंगे तो वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। जी बिल्कुल आदेश, आगे आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार अपडेट वो दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर इस ग्राउंड की क्षमता की बात की जाए तो करीब 3 लाख से ज्यादा लोग इस ग्राउंड में सवा सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह की भीड़ लगातार देखने के लिए मिल रही है और जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि अब वहां पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, तो दावा जो किसानों की तरफ से किया जा रहा था कि करीब 5 लाख से ज्यादा किसान यहां पर शामिल होंगे, तो अब तक यहां पर एक भारी संख्या जो है किसानों की वो पहुंच चुकी है। इससे ये समझा जा सकता है कि वाकई कृषि कानूनों के विरुद्ध जो आवाज है किसानों की वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि ये जो किसानों का आंदोलन है अब नई दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। अगर राकेश टिकैत की बात की जाए तो राकेश टिकैत लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो लगातार राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो राजनीतिकरण है वो भी इस आंदोलन का होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी दल जो है वो लगातार किसानों के साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा ये भी कहीं ना कहीं सुगाहट है कि राकेश टिकैत आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते हैं और जिस तरह का समर्थन राकेश टिकैत को मिल रहा है आने वाले समय के लिए, ये देखना होगा कि वाकई जिस तरह से ये तमाम चीजें, ये जो आंदोलन निकल कर सामने आ रहा है 2022 के लिए, कहीं ये फेर बदल तो नहीं कर सकता, ऐसे तमाम सवाल सामने आ रहे हैं और माना भी जा रहा है कि 2022 के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनोखा समीकरण हो सकता है। लेकिन आगे सरकार क्या वार्ता करती है, आगे सरकार किस तरह की बातें किसानों के सामने, किस तरह की शर्तें रखती हैं और किसान किस तरह की शर्तें सरकार के सामने रखते हैं, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, किसान कहते हैं कि हम संशोधन हमें नहीं चाहिए, कृषि कानून वापस होने चाहिए, सरकार कहती है हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि बात करके वही हल निकलेगा तो हमें बात नहीं करनी है, यानी कि 12 बार वार्ता हो चुकी है लेकिन अब वार्ता नहीं बची है। ऐसे में आज ये बड़ी महापंचायत हो रही है, इस महापंचायत के मायने बेहद खास है, लेकिन अब आगे हमें पता चलेगा कि इस महापंचायत में क्या कुछ फैसले किसानों की तरफ से लिए गए हैं। अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपको बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अश्विनी जी, इस बड़े महापंचायत को लेकर क्या कहेंगे, सबसे पहले तो यही पूछूंगी आपसे मैं। जी, लोकतंत्र में पंचायत करने का और प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है और हमारे किसान भाइयों ने आज ये महापंचायत का आह्वान किया है तो सरकार, लेकिन सरकार के खिलाफ किया है। इसमें सिर्फ जो है आज भ्रम न फैलाया जाए, अगर वास्तविकता बताया जाए तो अच्छी पंचायत है, लेकिन अगर भ्रम फैलाया जाएगा, जिसके जैसा कि पता चला है कि इसके पीछे राजनीतिक हाथ भी है और वहाँ कई पार्टियों के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए हैं, ये भ्रम की स्थिति है जो कि ठीक नहीं है। नहीं, अगर किसानों का समर्थन राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, अगर सही में वो किसानों के साथ है तो इसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है, और लेकिन मैंने पहले कहा कि भ्रम की स्थिति जो लोग कर रहे हैं, जैसे राकेश टिकैत जी पिछले एक हफ्ते से
बेच रहा है, देश बिक रहा है, ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ विरोधी पार्टियों की भाषा है जो राहुल जी क्या आपको ऐसा, अश्विनी जी देखिए माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो देश के अन्नदाता है उनको भ्रमित किया जा सकता है? देखिए जनता को अगर आप सही सूचना नहीं देंगे तो भ्रमित करने का काम आप करेंगे, और जो कि आज विरोधी दल के लोग कर रहे हैं, जैसा कि एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको, बिल्कुल आपने कहा अन्नदाता को भ्रमित नहीं किया जा सकता, मैं उदाहरण दे रहा हूँ जी, हिंदुस्तान में हम लोग कोरोना झेल रहे हैं और जो वैक्सीन आई हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन निकाला तो लोगों ने कहा कि हम नहीं लगवाएंगे इसमें पानी है, राजनेताओं ने कहा, लोगों ने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, लखनऊ के पास में बाराबंकी में 200 लोग जो है नदी में कूद गए कि हम नहीं लगवाएंगे, तो ये भ्रम फैलाने का ही नतीजा था। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे देश के डॉक्टरों ने इतना ज्यादा जागृति फैलाई है तो आज हम 70 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगाने में कामयाब हुए। लेकिन पिछले कई महीनों से ये आंदोलन चल रहा है, कोई नया तो नहीं है, आज तो ये महापंचायत आज हो रही है लेकिन आंदोलन तो कई महीनों से चल रहा है, आपकी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है किसानों के बीच पहुंचने की, हमने तमाम तस्वीरें देखी है, बूथ स्तर तक आप जा रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कृषि कानून है आप लोगों के हित में है, तो आखिरकार किसान मान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या किसान इतने भ्रमित हो गए हैं, इतना भ्रमित किया गया है विपक्ष के द्वारा कि किसान मानने के लिए तैयार नहीं है? किसने कहा कि किसान नहीं मान रहे हैं? किसान हमारे साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, हमारे असली किसान खेतों में हैं। तो ये लाखों की भीड़ है, ये लाखों की जो भीड़ है ये क्या आपकी बातें मान रही है इसी वजह से लाखों की भीड़ है, या वो भ्रमित किसान है? ये देखिए ये लाखों की भीड़ क्या मतलब, इसको क्या आपके शब्दों में मैं क्या कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है? सरकार तो किसान को सीधे तौर पर कहते हैं, अश्विनी जी किसान को सीधे तौर पर कहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है, ये किसानों के शब्द हैं। कौन कहता है? जो भीड़ आई है वो कहती है या जो है वहाँ के तथाकथित नेता कहते हैं? देखिए अभी जो आपके स्टेज पर बैठे हुए नेता दिख रहे हैं योगेंद्र यादव, ये कृषि विशेषज्ञ भी है जी, ये लोकपाल के भी विशेषज्ञ है, तो ऐसे तो किसान नेता है वहाँ, तो कौन है जनता? देखिए जो मंच के वहाँ दो पार्ट में बांटिए उसको, एक मंच के लोग हैं जो तथाकथित नेता हैं और मतलब एक आप है। इतने महीनों से किसानों को देख रहे हैं, आंदोलन देख रहे हैं, लेकिन आज भी आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है किसानों को भ्रमित करता है। चलिए मान लीजिए कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है, तो आप तो अपनी तरफ से पूरे आंदोलन, आप तो अपनी पूरी तरह से योजनाएं चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं कि किसानों को समझ में आए, किसान समझे कि आखिर ये तीनों कृषि कानून उनके हित में है, तो फिर किसान क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या क्यों आपकी नीतियों से खुश नहीं है किसान? आपने पहला सवाल फिर दोबारा पूछा, फिर मेरा वही जवाब, किसने आपसे कहा कि किसान हमसे संतुष्ट नहीं है? तो आप मुझे बताइए ये भीड़ किसकी है? जब आप मेरे को, मैं आपसे वही सवाल कर रही हूँ, आप बार बार वही जवाब दे रहे हैं, तो आप मुझे बस इतना बताइए कि लाखों की भीड़ आखिर ये है कौन, बताइए मुझे। यही आप देखिए, मैंने पहले कहा कि जो भ्रम की स्थिति क्या, हर राजनीतिक दल के उसमें क्या कहते हैं सभाओं में जो भीड़ होती है सभी वोट में तब्दील होती है क्या? किसानों की भीड़ उसमें आप पता करिए। अश्विनी जी मैं जब भी किसी बीजेपी नेता से बात करती हूँ या प्रवक्ता से बात करती हूँ, उनका यही कहना है कि किसान भ्रमित हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसान इतना भ्रमित होता तो पिछले 10 महीनों से 11 महीने से वहीं बैठा रहता, धूप में, सर्दी में, बरसात में वहीं मौजूद है, वहीं डटा हुआ है। वहाँ जो बैठा है वो तथाकथित किसान है, वो गणतंत्र का बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अश्विनी जी। 600 किसानों को ले जाकर बुजुर्गों को मरवाने वाले हत्यारे बैठे हैं अश्विनी जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बिल्कुल करिए बात पूरी अपनी, बीच में फिर सवाल नहीं करिए, आप मेरी पूरी पूरी पूरा जवाब सुनिए। उसके बाद ये जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, ये वहाँ 26 जनवरी को क्या हुआ आपने देखा, पंजाब में कितने क्या तोड़े गए वो आपने देखा, बलात्कार वहाँ हुए 26 जनवरी, जो बैठे हुए वो लोग वहाँ, अरे अश्विनी जी, अश्विनी जी सुनिए मेरी बात, अश्विनी जी नजरों में ये किसान है? अश्विनी जी पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात ये कि 26 जनवरी को ये वो हुआ था, उसको मैं मानती हूँ कि कुछ वहां पर ऐसे तत्व थे जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन उसके लिए हम पूरे किसानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं।
ये जो लाखों की भीड़ है इसे हमें जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैंने किसानों को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया, मैंने किसान नेताओं की बात की, मैंने किसानों की बात ही नहीं की। तो किसान यही तो गलत कर रही है। नहीं, अपने शब्द देखिए, आपके शब्द मैं कैसे बोलूं? आप ये बताइए मुझे कि आपके पास सटीक जवाब, चलिए अब छोड़िए ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आगे आप क्या करने वाले हैं। सटीक जवाब है, आपके सवाल नहीं खत्म हो रहे हैं, आप सवाल कर लीजिए फिर मेरा जवाब ले लीजिए। अश्विनी जी, सवाल तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, समय कम पड़ जाएगा, आप मुझे बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल आप करती रहिए, मैं जवाब देने से पीछे हटूं तो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं। अश्विनी देखिए, मेरे पास समय की कमी है, मैं जरूर आपसे पूरी डिबेट करूंगी और आपसे हर सवाल का जवाब भी लूंगी। फिलहाल आप मुझे बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि आज जो किसान रणनीति तैयार कर रहे हैं उसके लिए सरकार कितनी तैयार है। जी, एक बार दोहरा दीजिए। अश्विनी जी, जो आज किसान महापंचायत कर रहे हैं, वो जो किसानों की रणनीति तैयार होगी, सरकार उसके लिए कितनी तैयार है? उनकी रणनीति क्या, वो जो आए हैं वो रणनीति तैयार करेंगे कि जो मंच पर बैठे हैं वो रणनीति तैयार करेंगे? देखिए, मैं किसानों की बात कर रही हूँ अश्विनी जी। देखिए किसान, आप क्या एक ऐसा सवाल आप कर रहे हैं, जो सामने मंच के सामने बैठे हैं वो किसान है, मंच पर बैठे हुए किसान नेता है, तो नेता रणनीति तैयार करता है, वो नहीं करते हैं। जो हमारे किसान है वो एमएसपी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं बेच रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गई अश्विनी जी, आपका जवाब मैं समझ गई हूँ। अश्विनी जी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों की बड़ी महापंचायत लगातार जारी है, सुबह से ही भीड़ लगातार देखने के लिए मिल रही है, लाखों की संख्या में किसान जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों की बड़ी महापंचायत आज हो रही है, लगातार हम बीजेपी नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि अभी भी किया, लेकिन यहां पर एक सटीक जो जवाब है वो किसी के पास नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार विपक्ष को घेर रही है, सरकार ये कहती है कि वो जो किसान हैं वो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, वो किसान नहीं है, वो विपक्ष द्वारा बैठाए गए नेता हैं। विपक्ष ये बोलता है कि सरकार किसानों को विपक्ष की शैली में लगातार रख रही है, किसानों को गलत समझ रही है, चाहे वो 26 जनवरी का उदाहरण हो, चाहे वो उसके बाद तमाम ऐसी चीजें हों जो वहां पर हुई हैं। तो इन सब चीजों को लेकर एक जो बातें निकल कर सामने आती है वो ये होती है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहा है, महापंचायत कर रहा है और पिछले कई महीनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो आखिर यहाँ पर जो किसान हैं, जो छोटे तबके के किसान हैं और जो ऐसे बड़े किसान हैं वो आखिर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो क्या वो गलत हैं या विपक्ष की तरफ भ्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है कि किसानों की जो महापंचायत हो रही है उसकी रणनीति आज तय हो जाएगी, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किसान कर लेंगे, आगे अब इस पर सरकार को क्या करना है इसकी तैयारी में सरकार बखूबी लगी हुई है, क्योंकि ना तो सरकार पीछे हट रही है अपनी बातों से और ना ही किसान पीछे हटने के लिए तैयार हैं। धूप हो, सर्दी हो, बरसात हो, किसान वहीं पर मौजूद है, चाहे लाठी चार्ज हो, जिस तरह से करनाल में लाठी चार्ज हुआ, चाहे वो हो, इसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। लेकिन अब ये देखना है कि आगे अब क्या कुछ होगा, 2022 बेहद नज़दीक है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा, क्या बदलेगा, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि समीकरण बदल सकते हैं, जिस तरह से राकेश टिकैत सामने आ रहे हैं उससे समीकरण बदले हुए नज़र आ सकते हैं, सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं भारी संख्या में, ऐसे में सरकार ने भी चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन को तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, वहां पर किसी तरह की कोई भी ऐसी घटना ना हो अप्रिय, जिससे आने वाले समय में कुछ दुखद हादसा हो, तो ऐसे में तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।